लगता है इनकी सरकार में कानून व्यवस्था जीरो हो गई, इनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो हो गई। और अस्पताल का हाल तो ये है, मुझे याद है एक रात में लगभग 11:15 बजे जग रहा था और इसी गोंडा की एक खबर मैंने देखी टीवी पर जो चली कि एक श्रीवास्तव परिवार, उसके परिवार के सदस्य डॉक्टर से लड़ रहे हैं और डॉक्टर से ये कह रहे हैं कि तुमने इंजेक्शन लगा दिया मेरी परिवार के सदस्य जिसकी जान चली गई, वो गर्भवती महिला की। वो दिन और आज का दिन बताओ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या है, बच्चों की कितनी जान जा रही है। अगर कोई गर्भवती महिला है, कोई पीड़ित है, बीमार है, क्या इलाज संभव है? और फिर भ्रष्टाचार का क्या बोलना, मैंने तो सदन में कहा, पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, प्रेस के साथियों से भी कहा और मैं फिर कहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भूमाफियाओं का काम कर रहे हैं, जमीनें कब्जा कर रहे हैं। और दुख बोलूं, खुशी बोलूं या जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को याद करूं, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी गोरखपुर गए थे और गोरखपुर जाकर के उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं पर लगाम लगनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में ये सोचते हैं कि भूमाफियाओं को लगाम नहीं लगी है तो बताओ गोंडा में कैसे भूमाफियाओं की लगाम लग जाएगी। क्या भूमाफियाओं का जो नारा दे रहे हैं जीरो टॉलरेंस का, क्या जो जमीन कब्जा रहे उन्हें ये सरकार छू भी पाएगी क्या? और फिर अगर इतनी साफ सुथरी है, अगर ये वाकई मर्यादित है, आदर्श जीवन के रास्ते पे चलते हैं तो सार्वजनिक क्यों नहीं करते रजिस्ट्रियां? गोंडा की रजिस्ट्री कर दो सार्वजनिक, सबसे ज्यादा जमीनें किसने खरीदी हैं? अयोध्या की सार्वजनिक कर दें कि रजिस्ट्रियां किसने की हैं? इतने बड़े घोटाले, और जब पुण्य काम हो रहा हो उस समय गरीबों को तकलीफ और परेशानी दी जाए। ये लोग कहते हैं नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गए, अभी आपने देखा रोजगार के नए अवसर, लोग इसराइल जा रहे हैं, लाइन लगी है इसराइल में जाने के लिए। सोचो वॉर जोन में यहाँ के नौजवान 40,000-45,000 रुपए की नौकरी करने जा रहे हैं, जो निवेश के सपने दिखाए थे, निवेश कितने जमीन पर पहुंचे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।